डॉक्टर एस राधाकृष्णन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मैं जा रहा हूँ, और साथ में हमारे साथ हमारे जो गुरुजी हैं सुधीर सर, वो भी आ रहे हैं, तो उनका मैं वेट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल कोठार में। वो आएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे, बाद हम लोग 3 साल के बाद हम लोग मिलेंगे अपने लेक्चरर और प्रोफेसर से, और आपको दिखाएंगे कि उनका रिएक्शन कैसा है जब मैं और सुधीर सर सभी प्रोफेसर से जब मिलेंगे, तो उनका रिएक्शन आप लोग देखिएगा कि कैसा है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, और चलिए आपको दिखाते हैं अपना बीएड कॉलेज। मोमेंट्स लेटर, ये है हमारा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का गेट, अभी हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। नयन सर हैं पूरा हम लोगों के संगीत टीचर, एकदम मस्त राग बैठता है इनका। आप लोगों का भी सहयोग आपके बैंड का बहुत अच्छा रहा। हां अभी मिल रहा है। बड़ा टीम बना के सब भी आया है, क्या बात है। क्या? हाँ मैम, लेकिन सब अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत जरूरी। कंप्यूटर लैब है, जिसमें हम लोग बैठ के कभी टूर के लिए प्लान करते थे, या फिर गणतंत्र दिवस या सरस्वती पूजा के लिए इसी पर बैठ के हम लोग चर्चा करते थे। अभी लाइब्रेरी जा रहे हैं। ये सीढ़ी सुधीर सर, ये जो सीढ़ी है ना, ये बहुत ही मेमोरेबल सीढ़ी है।
रहे हैं पंकज भैया। और ये हमारा संगीत रूम, देखिए इसमें कितना अच्छा से पूरा सजा के रखा गया है। ये देख सकते हैं पूरा रेड रेड कारपेट में कितना अच्छे तरीके से। ये मल्टीपर्पज हॉल, अभी इसके अंदर हम लोग जाएंगे। देखिए लॉक लगा हुआ है लेकिन अभी लॉक खुलवा कर हम लोग देखेंगे। अंदर में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस हुआ है। बिल्कुल यही मल्टीपर्पज हॉल है जहाँ पर गुरु जी और कभी महफिल जमाते थे और टुल्लू सर पीछे से वाह 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 तालियां बजाते थे। मल्टीपर्पज हॉल को ओपन किया जा रहा है और ये देखिए मल्टीपर्पज हॉल का नजारा। ये ऑडियंस देखिए इधर हमारा स्टेज जहाँ पर कभी सुधीर सर और मैं गुरु सर महफिल जमाया करते थे। बहुत ही यादगार चीजें हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्रोग्राम जो है यहीं पर कराया जाता था। इसमें से हमको याद आता है कि परनो जो है एक बार फौजी कर वो कर रहे थे, स्टेज तोड़ देते काम काम पे से मार रहे थे। या तो मेरे पैरों में दम नहीं थे या फिर स्टेज बहुत ज्यादा मजबूत। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना जा रहे हैं जिधर हम लोगों का हॉस्टल था। आप लोग देखिए कैसे इधर का सारा चीज बदला गया। बहुत अच्छा प्लेन करा दिया गया है, कलर किया गया है। और ये सब जो पेड़ दिख रहा है ये हम ही लोग लगाए हुए थे, अभी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है तो हम लोगों का सेशन में लगा हुआ था। और अभी देखिए बहुत अच्छा पेड़ तैयार हो गया। इधर का जो डायरेक्शन है देखिए, ये पीछे साइड है कॉलेज का, पीछे साइड है। और अभी यहाँ पर पहले कैंटीन था, अभी बदल दिया गया है। और अभी जिसमें चित्रंजन टुडू सर जा रहे हैं उसको भी फिलहाल हॉस्टल बना दिया गया है और हम लोग इसमें रहते थे। तो इस हॉस्टल एकोलॉजी रिसोर्स सेंटर बना दिया गया है। और अंदर में ये लैब बना दिया गया है, अभी साइकोलॉजी लैब बना दिया गया है। तो इसी में हम लोग कभी हॉस्टल में रहा करते थे और सुधीर सर और हम लोग महफिल जमाते थे। टुडू सर आकर वहाँ लेसन प्लान बनाया करते थे। तो ये सब याद है। आप बता दीजिए गुरु जी, आप बता दीजिए। वो जो बेसिन जो दिख रहा है ना, उधर ही हमारा एक बेड था कॉर्नर में और हम लोग मस्त एकदम पढ़ते थे, हंसी मजाक करते थे। और यहाँ ग्रुप कैप्टन महोदय हैं जिनके दिशा निर्देश में हम लोग पूरा कॉलेज भ्रमण कर रहे हैं। पूरा सर्टिफिकेट वगैरह ले लिए और गुरुजी जा रहे हैं रांची और मैं अपने हजारीबाग के लिए प्रस्थान करने जा रहा हूँ। गुरुजी आपको कुछ बोलना है?
में। कैसा लगा आज आपको टीचर से मिलकर, सब कैसा लगा आप बताइए? बहुत अच्छा लगा गुरुजी, वैसे भी बीएड कॉलेज के सारे टीचर्स मैम सबको मिस कर रहे थे, आज जब एक साथ में गए तो इतनी खुशी है, खुशी हुई कि हम उसको बता नहीं सकते और ना ही चला सकते। वाकई में 3 साल के बाद भी गाइस मिलने के बाद एकदम अपनापन का महसूस हुआ और हम लोगों ने पूरा एकदम एक एक रूम सारे ओपन कर करके हम लोग देखे और बहुत मज़ा लगा। एक क्लास ये मीटअप मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए कि जब एक लंबा गैप हो जाए तो कम से कम एक बार अपने टीचर से जरूर मिले। ठीक है, तो इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।